यार पंकज, वो पता है वो कितने सॉलिड इंग्लिश बोलता है यार। अपन सारा इंग्लिश ही नहीं सीख पा रहे, मैं कोचिंग जाता हूँ फिर भी इंग्लिश नहीं हुआ कि मुझको बोल। हाँ यार, ये तो दिक्कत मेरे साथ भी है। मैं भी एक दो इंटरव्यू में गया, वहाँ इंग्लिश के चक्कर में रिजेक्ट कर देते हैं। वो जो बोलते हैं कि आपको स्पोकन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी ये रहता है कि अपना कॉन्फिडेंस लो होता है और फिर उस वजह से भी नहीं बोल पाते। और यार मैं तो इंग्लिश की कोचिंग जाता हूँ, मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मैं बचपन से इंग्लिश में अच्छा हूँ, नंबर अच्छे आते हैं यार, फिर भी इंग्लिश नहीं आती मेरे को बोलना। हाँ तो यार तुम कोचिंग जाओ अच्छी, तुम ऐसे थोड़ी सीख पाओगे। बिल्कुल प्रॉपर मीनिंग भी बताया, सब कुछ बताया अपन को, तभी अपने दिमाग में बैठेगा थोड़ा कॉन्फिडेंस। तुम बड़े अंग्रेज हो जाओगे, ऐसे अंग्रेज बनेंगे इंटरव्यू में छा जाए। देखा आपने, लोग इंग्लिश में बात तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण वो आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप आखरे और अभी हमने 90 दिनों के लिए एक अभियान चलाया हुआ है जिससे कि आप इंग्लिश में अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर पाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 90 दिनों के बाद फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास जरूर दिला रहा हूं कि यदि अभी आपकी इंग्लिश 10% है तो आपकी इंग्लिश 60 से लेकर 70% तक इंप्रूव हो जाएगी। 90 दिनों तक जुड़े रहिए, आज हमारा पहला दिन है। पहले दिन में आज हम ये बातें करना चाह रहे हैं कि हम उन कारणों को ढूंढ रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आज तक हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाए। क्योंकि मेरा मानना ये रहता है कि सबसे पहले हमें बीमारी पता चले। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है तो पहले डॉक्टर ये पता करता है कि इसको बीमारी क्या है, उसकी जांच करवाता है, उसकी जांच की रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट देखने के बाद वो दवाइयां देता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसी बीमारी की दवाइयां दूं कि जिससे ये ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कारण कौन कौन से जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पाए। और एक बात और याद रखिए, उन्हीं कारण को यदि आप उल्टा कर देंगे तो उन्हीं कारणों से हम सीख भी जाएंगे। तो कोशिश करते हैं हम इन चीज़ों को जानने की। और कई लोग तो इतनी टाइम हो गया उन लोगों को, जब ये कारण देखेंगे तो उन्हें लगेगा वास्तव में ये कारण उसके साथ है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपका कौन सा कारण है जिसके कारण आप अभी तक इंग्लिश नहीं बोलना सीख पाए, बताना जरूर। तो देखिए, इंग्लिश ना बोल पाने के कारण एक बात और मैं बता देता हूँ मेरे सभी ऑडियंस के लिए कि मेरे जो वीडियो हैं इंग्लिश सीखने के लिए वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, जिनको इंग्लिश थोड़ी सी आती है। जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है उनके लिए वीडियो अलग प्रकार के रहेंगे। अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो शून्य से शिखर तक जाना चाहते हैं, ABCD से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कई बार मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोचिंग देता हूँ, तो कई बार बड़े लोग तक ये कहते हैं सर मुझे कुछ नहीं आता। तो उन लोगों के लिए मेरे वीडियोज हैं, आप देखना, आप में इंप्रूवमेंट 100% देखने लगेगा। चलिए, इंग्लिश ना बोल पाने के कारण शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है मैंने कि आपको जिससे आसानी से समझ में आए। इंग्लिश ना बोल पाने के कारण सबसे पहला कारण हम देखेंगे कि इंग्लिश के शब्दों की जानकारी ना होना। बिल्कुल सही है, हमें शब्द नहीं आते। यदि मुझे बोलना है कि आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, तो मैं स्कूल जाना चाहता हूँ तो मुझे कई लोगों को तो यही नहीं पता कि आई किसे कहते हैं। वांट यानी चाहना होता है, या वांट यानी क्या होता है, गो लगाऊं कि बेंट लगाऊं कि गोन लगाऊं, यानी शब्दों की जानकारी का ना होना ही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं बोलना। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, अभी बात हो रही है बोलने वाली इंग्लिश पर। मैं राइटिंग स्किल को जो है, रीडिंग और राइटिंग स्किल को मैं अलग से बताऊंगा, आज हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि इंग्लिश के शब्दों की जानकारी हमें ना होना। सेकंड आता है कि कोई टीचर का ना मिलना। ये ज्यादातर देखा गया है कि स्पोकन इंग्लिश के टीचर्स खासतौर से हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ग्रामर वाले टीचर्स होते हैं तो वो ग्रामर सिखा देते हैं, हम जीवन से पढ़ते आए हैं ता ती ता
रहा रही चुका चुकी, ये हम पढ़ते पढ़ते कई बार तो ऐसा लगता है यार फिर वही ट्यूशन के जाएंगे, फिर वही टीचर पढ़ाएगा हमें, फिर ताते आएंगे और अभी तक नहीं सीख पाए। कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल से पढ़ रहे हैं और आज तक उन्हें टेंशन नहीं आते। सही बोल रहा हूँ मैं? आप ध्यान देना, हो सकता है कि इनमें से एक आध आप भी हों कि आज तक आपको टेंशन नहीं आए। ठीक है, हम सिखा रहे हैं बता रहे हैं। कोई टीचर का ना मिलना, वास्तव में टीचर की कमी है, स्पोकन इंग्लिश के टीचर्स उतने नहीं मिल पाते हैं हमें। घर या बाहर माहौल का ना होना, ये बहुत बड़ा कारण है। आपके यहाँ पे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आप जिस भी भाषा में बात करते हैं, मराठी में बात कर सकते हैं, जैसे मैं गुना का हूँ तो यदि लोकल की हमारी जो भाषा है हम उसमें बात करते हैं, कार्य तू ऐसा कर रहा है, जो भी हमारी आम भाषा होती है उसमें बात कर रहा है, तो वो बच्चा वही चीज़ सीख जाता है। हम जिस भाषा में बात कर रहे होते हैं तो वही चीज़ है कि हमारे यहाँ इंग्लिश का माहौल नहीं है, और यदि कोई माहौल बनाने की कोशिश भी करता है तो हमारी नज़र में वो अंग्रेज हो जाता है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेज छोड़ गए, है ना। तो वही जो चीज़ है कि घर या बाहर माहौल का ना होना, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे। हमारा फोर्थ नंबर का कारण है कि कोशिश ना करना। ये सत्य बात है कि हमने अभी तक कोशिश ही नहीं की, कारण कि कई हमें ऐसा लगे ही नहीं कि हम इसकी कोशिश करें, हमें बताया नहीं गया। हम तो पढ़ाई करते हैं, हमारे 50 में से 17 नंबर आ जाएं या फिर 100 में से 33 नंबर आ जाएं, 33 नंबर आए उसके बाद हम इंग्लिश को ऐसा भूल जाते हैं कि जैसे वो कुछ कभी थी ही नहीं, यानी हमने कभी इसका कोशिश ही नहीं की, बोलने का कभी मैटर ही नहीं हुआ। हाँ, हर बंदा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो इंग्लिश में बात करे, लेकिन वो कोशिश ही नहीं की। हिचकिचाहट ना होना, मेरी नज़र में सबसे बड़ा पॉइंट, मेरी नज़र में, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बरसों से, मेरी नज़र में सबसे बड़ा पॉइंट है हिचकिचाहट का होना। और इसमें भी एक शब्द है, वो है तो। ये तो शब्द अकेली इंग्लिश नहीं बोलने देता। कैसे? देखिए, मैं गली में क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक आंटी जी हैं, मैंने यूं करके मारा, आंटी जी के बगल से बॉल निकल गई, आंटी जी हमारे घर लड़ने आ गई। अब लड़ने जब आई तो वो कहती है कि बॉल की अगर मेरे लग जाती तो। तो जो तो है, लड़ाई किस बात की है? उस तो की लगी नहीं है, उनके लगी नहीं है, लेकिन लड़ाई किस चीज़ की है? तो वैसे ही हम, मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ऐसा बोला और मैंने खुद नहीं कह दिया, सर ये गलत होगा। अरे भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो, सर देख लेंगे ना। तो जो तो है कि ऐसा ना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत हो जाए, तो इसके चक्कर में लोग बोलते ही नहीं है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो गलत ही बोलेंगे। इतना कॉन्फिडेंट हैं वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं कई बार, कि उन्हें पता है कि वो जो बोलेंगे वो गलत ही होगा। तो इस चीज़ को दूर करिए, हिचकिचाहट को दूर करिए, आप देखेंगे बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। प्रैक्टिस करना करना, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। और आप देखिए, मेरा छोटा जो बालक है या जो छोटे जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा मम्मी डायरेक्ट नहीं कहता, पापा डायरेक्ट नहीं कहता, कई बार पापा पी पापा पे, पता नहीं वो क्या क्या कहता है, तब जाके वो ओरिजिनल अपने पापा पे आ पाता है, या फिर जो भी शब्द वो बोल रहा होता है, मम्मी मामे पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है, तब जाके वो यहाँ पर आ पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़े हो गए, हमें ऐसा लग रहा है हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हमारी स्थिति उस जैसी हो गई है कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए साइकिल चलाना सीखना है और वो 10 साल से यही सोच रहा है कि मैं साइकिल चलाऊंगा, दो पहिए होते हैं, हैंडल होता है, पैडल होता है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा, और वो साइकिल चलाना कभी नहीं सीख पाता क्योंकि उसने ओरिजिनल में साइकिल कभी चलाई ही नहीं। तो आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहिए, सोचने से कुछ नहीं होगा कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, कभी नहीं सीखेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़रूरत का ना होना, ये सही बात है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो काम हम कर लेते हैं। हमें इंग्लिश में पास होने के लिए 17 नंबर या 100 में से 33 नंबर चाहिए, तो जैसे तैसे करके एन कैन प्रकार एनी हाउ हम उन नंबर की जुगाड़ लगा ही लेते हैं, टीचर से पूछ ही लेते हैं, लेकिन स्पोकन की हमें उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो हम लोगों को उतना हमने काम नहीं किया। ध्यान न देना, हमने कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा इंग्लिश बोलना आ सकते थे, हाँ हमें हम भी सीख सकते थे, अरे हमें पता ही नहीं चला। पढ़ते पढ़ते आदमी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छा हम सीख सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, तो हम तो अपने कोर्स में ही लगे रहे, तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। फायदे का पता ना होना, ये बहुत बड़ा कारण है। आपको जब तक किसी चीज़ के फायदे नहीं पता होंगे तब तक आप वो काम नहीं करेंगे। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ
कि आदमी कई बार जैसे व्रत भी रहता है ना, तो कई बार ये पता कर लेता है कि व्रत रहने से मुझे क्या फ़ायदे होंगे। मैं वहाँ जा रहा हूँ, जैसे खासतौर से बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन को पता होता है कि मैं किसी व्यक्ति के अगर शादी में जा रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं अगर इसके यहाँ पर ये कार्ड दूंगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा। हर काम फ़ायदे के लिए है, लेकिन हमें इंग्लिश के ही फ़ायदे नहीं पता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। लास्ट है, सिखाया ही नहीं गया। रियली में ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, आप देखेंगे कि आपके स्कूल में हो सकता है कि हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के टीचर हों, लेकिन स्पोकन इंग्लिश का कोई टीचर नहीं होता। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में तक हमें हिंदी में पढ़ाया जाता है, ये मैं लगभग हर जगह की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जगह की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो हमें सिखाया नहीं गया कि आप भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप इन 10 पॉइंट्स से आगे निकल जाएंगे तो आपको इंग्लिश आने लगेगी। और इंग्लिश आने लगेगी मतलब ये नहीं कि 10 पॉइंट्स आपने ख़त्म किए और आपको इंग्लिश बोलने लगे फर्राटेदार, फर्राटेदार इंग्लिश नहीं आएगी। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि अगर आप 2-व्हीलर 4-व्हीलर जो भी चलाते हैं, जिसने सिखाई होगी, उसने आपको बताया होगा भैया स्लो स्लो चलाना, यूँ करना, वैसा करना, वैसी इंग्लिश है। वैसी कैसी है? वैसी इंग्लिश है। आप धीरे धीरे इसको कोशिश करिए सीखने की, तो आप सीखते जाएंगे। और 90 दिनों तक हमारे साथ जुड़ते रहिए, तो आप देखेंगे कि आप में, ऐतिहासिक तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप में देखने को मिलेंगे। ये 10 पॉइंट्स हैं, 10 में से आपको कौन से पॉइंट से दिक्कत है, किसके कारण आप नहीं सीख पाए, मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ और आप जुड़े रहें इन चीज़ों के लिए, कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको देते रहें। इसमें आपको जो भी कहीं डाउट लगते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं, आपको जो भी लगता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।